The film does not intend to promote or glorify the consumption or use of drugs or narcotic substances in any manner. गवाह बने शंकर को मारने आए थे। आगे की तहकीकात जारी है और खबर के लिए इस न्यूज चैनल पे बने रहें। जाने माने समाज सेवक शिवानंद का कहना है, जर्मन कंपनी ने 500 करोड़ रुपयों का इन्वेस्टमेंट करके गरीबों की जमीन पर कब्जा कर लिया है और इसलिए उन्होंने आमरण अनशन कर हड़ताल करने का फैसला किया है। सर, अधिकारियों का कहना है कि 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, हजारों लोगों को नौकरियां मिलेंगी। अगर खेती करने वाली जमीन पर गाड़ी बनाएंगे तो क्या गेहूं और चावल जर्मनी से इम्पोर्ट करेंगे? सर, फैसला तो हो चुका है, आगे आप क्या करेंगे? जब तक मेरी जान में जान है, मैं यहाँ कार फैक्ट्री बनने नहीं दूंगा। ये शिवानंद का मामला बहुत गंभीर हो गया है। गवर्नमेंट ने कार फैक्ट्री बनाने के लिए जो जमीन सैंक्शन की है, शिवानंद उसका पुरजोर विरोध कर रहा है और अब वो वहाँ मरते दम तक भूख हड़ताल की धमकी दे रहा है। सर पे मुसीबत आ जाएगी अगर कोई मर गया तो। और तो और, दो हफ्तों में प्राइम मिनिस्टर भी आने वाले हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार प्राइम मिनिस्टर जिस रास्ते से आने वाले हैं, वहां काले झंडे दिखाने का प्लान है। पीएम की सिक्योरिटी अरेंजमेंट कौन देख रहा है? आई वॉन्ट योर बेस्ट मैन टू हैंडल दिस। Hi guys. हमने इस जगह को चारों ओर से घेर लिया है। रामलाल सेठ मर्डर केस के चारों सस्पेक्ट्स ने फिर से सरकारी गवाह शंकर को मारने की कोशिश की है। किसी बेवकूफ ऑफिसर ने शंकर के सिक्योरिटी को हटा दिया था। उसे हटाने वाला बेवकूफ ऑफिसर मैं ही हूँ। सॉरी चीफ, मैं जानता था वो लोग सरकारी गवाह शंकर को मारने जरूर आएंगे। तो वहाँ से सिक्योरिटी हटाकर उन सस्पेक्ट्स को यहाँ आने पर मजबूर कर दिया है ना सर? यस। अगर दुश्मन को हराना तो पहले उसे जीतने का मौका दो, फिर करीब जाकर अटैक करो। अपने आप को सरेंडर कर दो। एक काम करते हैं, हर मंजिल पर 3 ऑफिसर भेजेंगे, तुम दोनों मेरे साथ रहोगे। ओके सर। अगर वो ऊपर बच गए तो हम उन्हें हमेशा के लिए ऊपर भेज देंगे। hey! 10 बार हो चुका है लास्ट वार्निंग देते हुए, एम्बुलेंस बुलाओ। सुनो सर। ओके सर। इयररिंग्स अच्छे दिख रहे हैं। आपने नोटिस किया? थैंक यू सर, बास की नजर है आपकी। पुलिस वाला जो हूँ और एक तुम हो। क्या करियो, लोडेड गन है। जो, यू गो। हाँ बोलो। रंजीत, मैं मुख्य सचिव के साथ बैठा हूँ, कुछ अर्जेंट बात करनी है। सर, मैं एक इम्पोर्टेंट ऑपरेशन में हूँ। किसी जरूरी काम में बिजी है सर। कौन सा काम है? वो पूछ रहे हैं ऐसे कौन से जरूरी काम में हो। नौकरी का सवाल है सर। कह रहे हैं नौकरी का सवाल है। मेरे लिए भी, अगर शिवानंद के मामले में कुछ गड़बड़ हुई तो मेरी नौकरी भी जाएगी। तुम्हें कितना वक्त लगेगा रंजीत? 4 खूनी वो भी वेपन्स के साथ 8वीं मंजिल पर हैं। कैरी ऑन। ओके सर। बस 5 मिनट सर, काम पूरा होते ही आ जाएगा। कम ऑन।
पीछे हटो। नो नो रघु, तुमने अभी तक इसका एफआईआर दर्ज नहीं किया? कर दिया है सर। कंप्लेंट दे दिया तुमने? हाँ, दे दिया। तो चलो निकलो, चलो चलो, खड़े मत रहो। सुनो। हाँ साहब। क्या ये बैग तुम्हारा है? मेरा नहीं है। मैडम आपका है? नहीं, ये मेरा बैग नहीं है। फिर ये बैग है किसका? रघु सर, तुमने देखा ये बैग किसने लाया? पता नहीं सर। रघु, सबको यहां से बाहर जाने को कहो और बॉम्ब स्क्वाड को बुलाओ। कोई तो इसे वहां रखकर चला गया। सीसीटीवी कैमरा चेक किया? उस वक्त स्टेशन में सीसीटीवी काम नहीं कर रहा था। बकरी का मुखौटा लगाकर लाल शर्ट पहना दिया। शर्ट निकालकर देखा तो गुड़िया के छाती पर 4 छेद थे, जैसे कील ठोका हो। सर, गुड़िया के पीछे 4 डिजिट का नंबर मिला है, लेकिन ये कोड किस काम का है ये पता नहीं। मैंने ऐसे ही किसी एक नंबर जिसमें 4840 था उस पर फोन किया। किसका नंबर था? किसी मसाज पार्लर का। सोचा कभी काम आएगा इसलिए सेव कर लिया। सोचो इसे फांसी पर क्यों लटकाया है? क्या उसका इरादा किसी की फांसी की सजा रुकवाना तो नहीं है? चेक किया चीफ, किसी को फांसी की सजा नहीं मिली। किसी को मारने की धमकी तो नहीं? किसे? किसी वीआईपी को। क्या वो क्लू देकर हमें कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहता है? लगता है किसी ने हमारे साथ मजाक किया है सर। इस गुड़िया को लेकर हम कौन सा इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं? इसे मैं नींबू मिर्ची की तरह कहीं लटका देता हूँ। दिखने में अजीब है और बुरी नजर से हमें बचाएगा। हमारे ऑफिस को किसी की बुरी नजर लगने वाली है? वो तो सबको लगेगी सिवाय एक के। मजाक बंद करो। आई डिडंट मीन दैट। Hi, Rocky. Good evening. Come, come, come. Good boy. Hi, भैया. Hi. Haircut करवाए? Next week. और जिम? हम दोनों में बस इनिशियल सेम है, लेकिन मैं मापे गया हूँ, थोड़ा आलसी हूँ। हाँ, वो तो दिख रहा है। Big bro, selfie हो जाए? Hugo boss? परफ्यूम बदल दिया, अच्छा किया। वैसे उस लड़की का नाम क्या? हाँ, लीना। कैसी वो? अच्छी है वो। हाँ, लगता मिलना कम कर दिया है। घर पे तो भैया बन के रहिए, पुलिस वाले नहीं। हाथ जोड़ता हूँ। पिक्चर देखने जा रहे? आपको कैसे पता?
नहाते वक्त भी तू अपना ट्विटर अपडेट करता है। कार से जा रहा है? बाइक। हेलमेट? एक एक्स्ट्रा ले लेना लीना के लिए। वो बाइक में है? आपने फिर से पकड़ लिया ना। ठीक है। May I come in, please? Hey, my sweetheart. Madam, बहुत busy लग रही हैं। Homework, project है। Project? Effect of greenhouse gases. मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया। जब मैं तुम्हारी उम्र का था, तो गिल्ली डंडा खेलता था। गिल्ली डंडा? बाद में बताता हूँ, पहले ही complete करो। Cheers, baby. Come soon. Okay. Wow. क्या बात है रंजीत? आज तुम शाम से पहले ही घर आ गए? आज इंडिया पाकिस्तान वनडे मैच है। लोग उसमें बिजी हैं। नो क्राइम। तो सोचा जल्दी घर जाके फैमिली के साथ थोड़ा वक्त गुजारूं। मगर मेरा छोटा भाई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिजी है। बेटी प्रोजेक्ट में बिजी है। और मेरी बीवी पेंटिंग में बिजी है। ए, कॉफी गिर जाएगी। वहां जाके बैठो और मेरी पेंटिंग कैसी बनी उस पे राय दो। अच्छा एक बात बताओ, जो कस्टमर तुम्हारी पेंटिंग खरीदता है उसे इसे देखने पर कुछ भी समझ में आता है? अगर समझ आ गया ना तो वो खरीदना बंद कर देंगे। स्मार्ट हो। क्या तुम्हें समझ में आता है? पेंटिंग की खूबसूरती देखने वाले की आंखों में होती है। तुमने फिर से अपनी फिलॉसफी शुरू कर दी। इसे तो अच्छा था ऑफिस में रहता। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, तुम क्राइम सीन कैसे सॉल्व करते हो? क्राइम सीन में क्लूज मिलते हैं। उसी तरह पेंटिंग्स को समझने के लिए भी क्लूज होते हैं। जरा ध्यान से देखो। वही तो देख रहा हूँ। वहाँ देखो। क्या है ये? सिर्फ डेट और मंथ लिखा है? लड़की की उम्र नहीं पूछते और पेंटिंग की उम्र नहीं लिखते। डन। आज के बाद मैं तुम्हारी उम्र नहीं पूछूंगा। जाओ जाओ। अब बताओ तुम्हें क्या समझ आया? अच्छा चैलेंज कर रही हो तुम। वो जो हरा दिख रहा है ना वो जंगल है। और वो जो नीला दिख रहा है वो तालाब है। ठीक है। यहाँ एक मर्डर हुआ है। मर्डर? ये कैसे कह सकते हो? क्योंकि ये जो लाल धब्बा दिख रहा है ये खून है। क्या बोल रहे हो? मतलब एक लड़की का मर्डर हो चुका है। ये देखो। लड़की? ये कैसे कह सकते हो? पुलिस वाला जो हूँ। ये कौन है जानती हो? ये जो चाकू लेकर जा रहा है इसने उस लड़की को मारा है। वाह क्या सुराग है। व्हाट अ पेंटिंग। पूरा मूड खराब कर दिया तुमने। इस पेंटिंग का थीम रोमांस है मगर तुमने इसे क्राइम सीन बना दिया। दत तेरी की, भूल गया रोमांस है ना। तो अब बताता हूँ रोमांस की नजर से। ये जो चाकू लेकर जा रहा है वो मेरी तरह तुम्हारा आशिक है। समझी? मेरी तरफ नहीं वहां देखो। हे मैंने कहा ना वहां देखो। फिर वो करीब आता है। hey, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है। रंजीत कालिदास। अभी अभी हमारे सूत्रों से खबर मिली है कि कार फैक्ट्री के विरोध में प्रदर्शन कर रहे कम्युनिस्ट नेता शिवनंद ने सरकार से बातचीत करके अपनी भूख हड़ताल कुछ समय के लिए रोक दी है। हेलो, हु इज दिस? कौन है रे जो इतनी रात को फोन कर रहा है? फोन रख। सरप्राइज। हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू।
ये सब क्या है सर? सरप्राइज। रुकिए, अभी नहीं, पहले गेम हो जाए। ऑफिस में सबसे स्मार्ट और जोशीली ऑफिसर हमारे सर हैं। तो क्या यहाँ के सो कॉल्ड यंगस्टर्स उनसे मुकाबला करने के लिए तैयार हैं? हेलो, हम तैयार हैं। अरे अरे, ये कौन सा खेल है? मैं नहीं खेलूंगा। कम ऑन सर, चलिए, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। रेडी, 1 2 3। अटेंशन प्लीज, डीएसपी रंजीत का इस ऑफिस में आखिरी साल है। हम आपको मिस करेंगे सर। मैं कहीं भी जाऊं तो मैं साथ ले जाऊंगा। ओके, थैंक यू सर। जोगा क्या होगा सर? कौन, जोसेफ? जहां वंदना जाएगी, जोसेफ उसके पीछे आएगा। कहने की क्या जरूरत है? अगले साल मैं रिटायर होने वाला हूं। रंजीत एसपी बनकर हमारे ब्रांच हेडक्वार्टर में ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद फील्ड वर्क छोड़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस और ढेर सारे टीवी वालों को इंटरव्यू देने होंगे। सर, प्रेस को संभालना बहुत मुश्किल है, क्रिमिनल को संभालना आसान है। एक और मजे की बात, सर ने अब तक 99 केसेस सॉल्व किए हैं। अगली बार सेंचुरी मारेंगे। जैसे धोनी लास्ट बॉल पर सिक्स मारता है, उसी तरह आप कोई बड़ा दमदार केस सॉल्व कीजिए सर। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, आओ। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। ये केक सब में बांट देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है सर। हमने इन 5 लोगों को कई बार अरेस्ट किया है, मगर राजनीतिक दबाव के कारण ये लोग बाहर आ जाते हैं। शहर में बढ़ रहे क्राइम रेट के जिम्मेदार यही लोग हैं। बताओ क्या कर सकते हो? सर, आपका ऑर्डर हो तो एनकाउंटर कर दें। पहले से ही तुम पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन इंक्वायरी चल रही है। सोचो और कुछ नई तरकीब निकालो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। सर, आप डिटेल्स दे दीजिए। ये हाईली कॉन्फिडेंशियल है। सीएम का ऑर्डर है कि मिशन को जल्दी खत्म करना है। वो यहाँ से 11 बजे घर चले गए थे सर। कुछ जरूरी काम के लिए मैंने उन्हें 12:30 बजे फोन किया, मगर फोन स्विच ऑफ था। वो अपना फोन कभी स्विच ऑफ नहीं करते थे। उनके दोस्त या रिश्तेदारों के यहाँ चेक किया? नहीं सर, जाते वक्त उन्होंने साफ कहा था कि वो घर जा रहे हैं। जो दरवाजा बंद था इसलिए तोड़ना पड़ा, लेकिन अंदर कोई नहीं है। लगता है शिवानंद कल रात घर नहीं आया। जाने माने समाज सेवक और लोक शक्ति पार्टी के लीडर शिवानंद जी कल रात से ही लापता हैं। चेन्नई के ग्रामीण इलाके में बन रहे जर्मन कार फैक्ट्री का वो विरोध कर रहे थे। इस तरह से अचानक उनका गायब हो जाना कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। पुलिस को शक है कि किसी ने उनका अपहरण किया होगा। और तो क्या कहते हो दोस्तों? कम्युनिस्ट लीडर है, 20 साल से यही काम करता है, भूख हड़ताल, विरोध करना, काले झंडे दिखाना। इसके लिए 12 बार जेल जा चुका है, सेडिशन के चार्जेस लग चुके हैं, और अब वो जर्मन कार फैक्ट्री मामला। एक टीवी चैनल वाले ने पूछा, कहीं सरकार को ज्यादा परेशान करने की वजह से तुम लोगों ने तो उसे नहीं मार दिया? तुमने क्या जवाब दिया? उसके पिछवाड़े में बॉम्ब रखने का मन कर रहा था, लेकिन खुद पर कंट्रोल किया और कहा, ये सारी बेबुनियादी बातें हैं और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, ऐसा एक स्टेटमेंट दे दिया। डिप्लोमेटिक जवाब था। बहुत जल्दी तुम डीएसपी बनोगे। थैंक यू सर। अगर डीएसपी बन गया तो इस केस के लिए नहीं, मगर जो सवाल उसने मुझसे पूछा उसके लिए तो जरूर उसके पिछवाड़े में मैं बॉम्ब रखूंगा। बॉम्ब रखने के लिए कोई और जगह ढूंढो। उसकी कोई फैमिली प्रॉब्लम थी क्या? उसकी कोई फैमिली नहीं है, माँ बाप गाँव में है, कोई रिश्तेदार भी नहीं है, एक छोटा सा घर है और पूरे शहर में दुश्मन। अच्छा ये बताओ, सिम कार्ड ट्रैकिंग का क्या अपडेट है? ओके सर, आवरी इलाके में एक बॉडी मिली है। लेट्स गो। ये गोदाम किसके लिए इस्तेमाल होता है? सर, यहाँ पे पुरानी गाड़ियाँ रखी जाती हैं सर। ऐसे बॉडी से खून बह रहा है, पहले फांसी से लटकाया गया फिर गोली मारी गई। हाउ सैड, हद हो गई ये तो। सर ये काम किसी एक आदमी का हो सकता है या गैंग का? ना ना,
इस तरह के क्राइम करना किसी एक आदमी का ही काम होता है। मगर डॉक्टर का ड्रेस ही क्यों? सर यहाँ देखिए। कोट पर गोलियों के छेद नहीं है मगर शरीर पर निशान है। बात सीधी सी है, पहले गोली मारी फिर कोट पहनाया गया। समझ गया सर। सर आपको याद है किसी ने गुड़िया भेजी थी? लाल शर्ट पहनी हुई गुड़िया? लाल शर्ट नहीं, खून से भीगा हुआ सफेद शर्ट। खून? फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक वो इंसान का खून नहीं बकरी का खून था। गुड जॉब। तुम्हारा दिमाग कब से चलने लगा? चुप कर, बकरी के खून में ट्राइसोडियम एसीटेट मिक्स था। क्या ट्राइसोडियम एसीटेट? ये क्या है? ब्लड को क्लॉट होने से बचाने के लिए उसमें ट्राइसोडियम एसीटेट मिलाया जाता है। जब ब्लड को स्टोर करते हैं उस वक्त ये केमिकल यूज करते हैं। कमाल है, ये तो तुम्हें कैसे पता? मर्डर मिस्ट्री नॉवल में खूनी यही केमिकल यूज करता है। इस तरह के नॉवल पढ़कर मुझे बेवकूफ मत बनाओ यार। जिसने भी ये खून किया है उसे इस केमिकल के बारे में अच्छी तरह मालूम है। मुखौटा हटाओ इसका। ब्रेकिंग न्यूज, चेन्नई में सनसनी। अभी अभी खबर मिली है कि लोक शक्ति पार्टी के लीडर शिवानंद का अपहरण करके उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले इस नेता के मौत से पूरे शहर में दुख और मायूसी की लहर छाई हुई है। पहले उसने इन्हें बेहोश किया। सुनिए, आइए मैं आपको आगे छोड़ देता हूँ। आपको क्यों तकलीफ देना? कोई बात नहीं, आइए। ठीक है, मेरा नाम शिवानंद है। मगर एक बात समझ में नहीं आई, बेहोश होने के बाद उसने इन्हें क्यों नहीं मारा? मतलब आपके रिपोर्ट के मुताबिक रात 11 बजे इनका किडनैप हुआ। बेहोशी की दवाई का असर करीब एक घंटा रहा होगा। शरीर के घाव से लगता है मारने से पहले टॉर्चर किया है। मरने का वक्त रात के करीब 2 बजे का है। हो सकता है कि मारने से पहले खूनी इससे कुछ जानने की कोशिश कर रहा हो। पॉसिबल है। मौत का कारण? दम घुटने से, इसे फांसी देकर मारा है। गले के नीचे का विंड पाइप ट्रैकिया पूरी तरह से दब चुका है। गले के मसल्स टूट गए हैं और वर्टिब्रल आर्टरीज को काफी नुकसान पहुंचा है। गले की हड्डी भी टूट चुकी है। ये सब करने वाला कोई साधारण इंसान नहीं है। और गोलियों के निशान? गोली मारी गई है मगर शिवानंद के मरने के बाद 4 बुलेट्स सभी इसी जगह पर मारी गई है। गन पाउडर के फोरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार गोली काफी नजदीक से मारी गई है। 0.9 mm कैलिबर बुलेट्स। मौत किस वक्त हुई होगी? रात के 2 से 2:30 बजे के बीच। टॉर्चर करके फांसी देके फिर गोली से मारा गया। बॉडी देखकर लगता है बड़ी बेरहमी से मारा है मिस्टर रंजीत। शायद शिवानंद से इसकी जानी दुश्मनी होगी। क्राइम सीन से कोई सुराग मिला? नथिंग सर, फिंगरप्रिंट्स, डीएनए, सिगरेट बर्ड्स कुछ भी नहीं मिला। चालाक है। और टायर के निशान का कुछ पता चला? वो किसी एसयूवी के टायर के प्रिंट्स हो सकते हैं और फुटप्रिंट्स को भी हमने एनालिसिस के लिए भेज दिया है। आई विटनेस का कहना है आखिरी बार उसने शिवानंद को किसी जीप जैसे बड़ी गाड़ी में जाते हुए देखा। शायद वो महिंद्रा स्कॉर्पियो हो। ऐसे हजारों स्कॉर्पियो होंगे, हम उसे कहां ढूंढेंगे? दैट्स अ चैलेंज। कत्ल के पीछे वजह क्या हो सकती है? सर शहर में शिवानंद के ज्यादातर दुश्मन अमीर और पावरफुल लोग हैं। सब पर शिवानंद ने केस किया है। हो सकता है उसके पड़ोसी ने उसे मार दिया हो। आज तक उसने 345 RTI पिटीशन फाइल किए हैं। बहुत से केसेस में लोगों को सजा तक मिली है। जिन लोगों को सजा मिली उनके केस शॉर्टलिस्ट करो। श्योर सर। एक बात और, डॉक्टर की ड्रेस क्यों? समझ में नहीं आता। सर शिवानंद को डॉक्टरेट की पदवी से सम्मानित किया गया था। उस वक्त उसने कहा था कि वो एक डॉक्टर है जो समाज की बीमारियों को जड़ से खत्म करना चाहता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये खूनी हमें किसी समाज के डॉक्टर को मारने का क्लू दे रहा है? क्या हुआ? देखा सर, क्राइम नॉवेल पढ़ने वाले खुद भी कंफ्यूज होते हैं और दूसरों को भी कंफ्यूज करते हैं। सर, उस गुड़िया पर बकरी का मुखौटा और शिवानंद के सर पर शेर का मुखौटा, दोनों में कनेक्शन क्या है? वो भी क्लू हो सकता है, 4-digit number की तरह। डेटाबेस में एक प्रोग्राम रन करना चाहिए।
या हमें वो करना चाहिए। सर एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, शिवानंद के फोन से आखिरी कॉल जो किया गया था उस वक्त रात के 3 बजे थे। मतलब वो फोन कातिल ने किया होगा। यू आर राइट, कॉल किया हुआ नंबर है 9663-71962। हे, ये तो मेरा नंबर है। अच्छा, कल रात मुझे एक कॉल आया, प्रैंक कॉल समझकर मैंने नजरअंदाज कर दिया। मगर उसने शिवानंद को मारने के बाद तुम्हें कॉल क्यों किया? पता नहीं क्यों, शायद उसे कुछ क्लू देना होगा। और चारों गोलियां सुराग हैं, जैसे वो मुखौटा, नंबर पजल्स, डॉक्टर कोट और तुम्हें किया गया कॉल। कहीं वो हमें चैलेंज तो नहीं कर रहा है, खुद को शातिर समझता है। लुक गाइस, जो गुड़िया हमें पहले मिली थी उस पर लाल शर्ट था, शिवानंद कम्युनिस्ट लीडर था और लाल रंग उसकी निशानी है। मार दिया उसे, गुड़िया की छाती पर 4 छेद हैं और उसके सीने में 4 गोलियां, और अब शिवानंद के शरीर पर ये डॉक्टर का कोट। इसके पीछे कोई कारण है, डेफिनेटली इसके पीछे कोई कारण है। और अगर मेरा सिक्स सेंस सही है तो उसका अगला टारगेट कोई डॉक्टर है। पॉसिबल है। सर, सर, आर यू ऑल राइट? आर यू ओके? या आई एम फाइन। आप ठीक है ना सर? या आई एम फाइन। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अब तक किसी को अरेस्ट नहीं किया, थोड़ा वक्त लगेगा, जैसे ही कुछ पता चलेगा विल लेट यू नो। सुनो, मैं कुछ देर में पहुंचूंगा, तुम इंतजार करना, या मीडिया वाले परेशान करें। स्वीटहार्ट, क्या बात है रंजीत साहब, आज बुके लेके आ गए? शर्ट पे ये दाग कैसा, क्या हुआ? अंदर आओ या फिर यहीं पर मेरा इंटरोगेशन करोगी? अब बताओ। बताता हूँ। तो तुम मुझे बताने वाले हो या नहीं? मेरी प्यारी बीवी, मुझे परेशान मत करो, आओ बैठो। ओके, एक छोटा सा काम करो, शांत बैठकर 1 से 100 तक गिनो, मैं जाकर नहाता हूँ, फिर तुम्हें स्टोरी सुनाता हूँ बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ, ओके? 1, 2, 2 नहीं, 1, 3, 1, 5 अरे तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? ओके, बताता हूं, मैं एक क्राइम सस्पेक्ट का पीछा कर रहा था, वो इस गली से उस गली भागे जा रहा था, लेकिन मैं छोड़ता उसे, जंप कर रहा था यहां से वहां, कभी इस जगह से उस जगह, कभी इस मकान से उस मकान, मैंने भी जेम्स बॉन्ड की तरह उसका पीछा किया, और जब उसे पकड़ने की कोशिश की तो पता है जानू क्या हुआ, वो भाग गया। बस उसी दौरान हाथ में थोड़ी चोट लग गई, खतरों का खिलाड़ी जो हूं। मैंने 100 बार कहा है तुमसे, ये फील्ड जॉब छोड़कर कोई डेस्क जॉब क्यों नहीं कर लेते, तुमने कभी मेरी बात सुनी है? Hey, कुछ नहीं हुआ मुझे। I'm good, you know. इंटर कॉलेज हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन, 10 गुंडों को आसानी से एक साथ मार सकता हूँ, ये घिसे पिटे डायलॉग बहुत सुनिए। अरे क्या एक्टिंग कर रही हो तुम? Hey, क्या मैं फिट नहीं हूँ? तुमसे सवाल पूछने के लिए ना घर में कोई मर्द चाहिए, उसके लिए संदीप है ना। वो हमेशा तुम्हारी साइड लेता है, मैं चाहती हूँ कोई मुझे भी सपोर्ट करे। तो तुम्हें जूनियर रंजीत चाहिए? हाँ? अरे तो सीनियर से बोल देती, वो मना थोड़ी करता।
इतने महीनों की तकलीफ कौन सहेगा? इसके लिए किसी और को ढूंढ लूं? ढूंढने के लिए आंखें नहीं रहेंगी। तब तुम बताओ मैं क्या करूं? मतलब ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा क्या? मन करता है तुम्हें खा जाऊं। हेलो हेलो, कौन है? ए, मैं पुलिस वाला हूं, कॉल ट्रेस कर लिया तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कॉल कहां से आया था? नंबर चेक किया तो किसी रामिया का था। रिसर्च जारी है, पता चल जाएगा। डॉक्टर्स के बारे में पूछा था, कुछ पता चला? हाँ सर, नाम है डॉक्टर शनबग। जुपिटर हॉस्पिटल में जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट स्कैम का पर्दाफाश हुआ तो वो वहीं काम करता था, और बाद में सरकारी गवाह बनकर शिवानंद के साथ मिलकर हॉस्पिटल के खिलाफ उसने गवाही दी। फोकस ऑन हिम। अभी वो शहर में नहीं है सर, अमेरिका में कॉन्फ्रेंस के लिए गया है। कब लौटेंगे? अगले हफ्ते। उन्हें फोन करके अलर्ट करो, कहो कि उनकी जान को खतरा है। उनसे कह दो कि रिटर्न ट्रेवल या तो कैंसिल करे या पोस्टपोन करे। ओके सर। अगर वहां उन्हें सिक्योरिटी की जरूरत होगी तो मैं बंदोबस्त कर दूंगा। और हाँ, इंडियन एम्बेसी को फोन करके मदद के लिए कहो, ये एकदम कॉन्फिडेंशियल है, किसी को पता ना चले। क्या ना, ये सिर्फ प्रिवेंटिव एक्शन है। हेलो, फॉर गॉड सेक फोन उठाओ, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद बात करूंगा। सर व्हाट? इंस्पेक्टर पांड्यन लाइन पर है। ना 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 ना, अभी बात नहीं कर सकता, बाद में बात करूंगा सर, अभी बिजी। एंड वन मोर थिंग, अगर वो सच में एक सीरियल किलर है तो हमें उस डॉक्टर को ढूंढना होगा और उसे बचाना होगा। व्हाट? प्लीज, अर्जेंट कॉल है। मिस्टर पांड्यन, मैं कुछ टाइम के बाद बोलो। व्हाट? आ रहा हूं। बहुत देर हो गई। यहाँ इतनी बदबू क्यों है? सर, इस गोडाउन के पीछे मेडिकल वेस्ट प्रोसेसिंग फैक्ट्री है। पांडियन सर, और कोई सबूत मिला? और कुछ नहीं मिला सर, शरीर पे ड्रेस और बॉडी के पीछे 4 डिजिट का नंबर, बिल्कुल उस शिवानंद केस की तरह है सर। एक बात और है सर, इस नंबर पर आखिरी कॉल डॉक्टर के फोन से किया गया था सर। सुबह आपको बताया था सर। आपको पता है कि ये नंबर किसका है सर? हाँ पांडियन, ये जो का नंबर है, कल मर्डर करने के बाद उसने जो को फोन किया था। इसी तरह शिवानंद के मर्डर के बाद उसने एक और टीम मेंबर को फोन किया था, वो हमें भड़का रहा है। सर, फुटप्रिंट्स भी मैच हो रहा है, देखिए। सर, ये लॉयर का एड्रेस क्यों? क्योंकि वो हमें बताना चाहता है कि उसका अगला टारगेट कौन है। वेलकम टीम, ये आदमी सच में एक साइकोटिक और सीरियल किलर है। पांड्या, इस केस को मैं हैंडल करूंगा। शिवानंद, डॉक्टर रामिया, इन दोनों को मारने वाला एक ही सीरियल किलर है। समझ सकता हूँ सर, इस केस में मैं आपकी मदद करूंगा, आपके साथ काम करके मुझे खुशी होगी। थैंक यू सो मच। एनी टाइम सर। हाँ जो आगे देखेंगे। तुम कल रात इसने किसी को देखा है यहाँ? किसे? कल रात के 2 बजे मैंने एक आदमी को इस गोडाउन से बाहर आते हुए देखा सर। वो दिखने में कैसा था? हट्टा कट्टा था सर, चेहरा नहीं देख पाया। उसने चेहरे पर कुछ पहन रखा था,
हुडेड जैकेट होगा सर, वो नकाब फिल्म में पहना था वैसा ही ना? सही बोला मैडम, पिक्चर के इंटरवल में जो फाइट सीन होता है ना, उसमें हीरो गुंडों को मारने जाता है ना, तभी पहना था। हमें फिल्म की स्टोरी तो पता है, तूने क्या देखा वो बता दे। वो बाहर आके जीप जैसी कोई बड़ी गाड़ी में बैठकर चला गया। कलर कौन सा था? जितना मैं देख पाया वो काली गाड़ी थी सर। कौन सी जीप थी? फोर्ड, महिंद्रा, मारुति? कंपनी के बारे में पता नहीं सर। ये देखो, क्या वो ऐसा दिखता था? हाँ मैडम, बिल्कुल ऐसा ही जीप था। ठीक है, अब तुम जाओ मैडम। ए सुन। बोलो सर। कल रात 2 बजे तू क्या कर रहा था यहाँ? मैं बाजू वाले गारमेंट फैक्ट्री में नाइट शिफ्ट करता हूँ। कंपनी की बस वहाँ तक ही आती है। उतर के आते वक्त देखा सर, खून करने वाले को जाने देते हो सर और गवाही देने वाले को परेशान करते हो सर। आप जैसे कांस्टेबल की वजह से लोगों का भरोसा उठ गया सर। किसको बोला कांस्टेबल बे? ये बहुत बड़े ऑफिसर है, बकवास मत करो। तुम्हें हवलदार लगता है क्या? चल निकल, जब बुलाऊंगा तो आ जाना, चल भाग। मुझे कांस्टेबल बोलता है? ऐसे हंस क्यों रहे हो? लोगों के अंदर से पुलिस का डर निकल चुका है, ऐसे लोगों के चट्टी में तो बॉम्ब फिट कर देना चाहिए। मजाक लग रहा है ना तुम दोनों को? हे जो कांस्टेबल जो। डॉक्टर रामिया एक अच्छे इंसान थी सर। फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट के तौर पर उन्होंने मेरे साथ कई केसेस पर काम किया था। उन्हें क्यों मारा समझ में नहीं आता सर। उनकी 10 साल की एक बेटी है, बहुत बुरा हुआ, बेरहमी से उन्हें फांसी पर लटका कर मार दिया है। रात 2:30 बजे उनकी मौत हुई, तब तक उन्हें टॉर्चर किया गया। अगला टारगेट लॉयर है, इसके बारे में तुम्हें कुछ और पता चला? नहीं सर, हमने उन लॉयर्स को शॉर्टलिस्ट किया है जिनका कनेक्शन डॉक्टर रमिया और शिवानंद से है। ऑलरेडी 10 लोग हमारे डेटाबेस में हैं। हम खोजबीन कर रहे हैं सर। तो क्या उन सबको घर में रहने के लिए बोल दें? कोशिश कर रहे हैं सर, जल्दी पकड़ लेंगे। खूनी का मोटिव क्या है? इस केस में सस्पेक्ट्स कौन है? हमसे ज्यादा तो टीवी चैनल वालों को पता है। हमें सूत्रों से खबर मिली है कि शिवानंद और डॉक्टर रमिया को मारने वाला शख्स एक ही है। पुलिस सोर्स के अनुसार खूनी का अगला शिकार कोई लॉयर होगा, ऐसी बात सामने आई है, और इसी आधार पर पुलिस इस केस को गंभीरता से सुलझाने की कोशिश कर रही है। कौन है ये पुलिस सोर्स? क्या कोई हमारे डिपार्टमेंट की बातें प्रेस को लीक कर रहा है? पब्लिक इमेज पर हमारा क्या असर पड़ा है जानते हो? चीफ सेक्रेटरी भी हर रोज अपडेट मांग रहे हैं। जानते हो, हर बार मर्डर के बाद विक्टिम के फोन से तुम्हारी टीम को फोन आते हैं, ये डिस्टर्बिंग है रंजीत। विक्टिम चेहरे पर मास्क लगाता है, कोड नंबर लिखता है और फिर मर्डर करके फोन करता है, ये तो अजीब बात है। अगर किसी को अरेस्ट करके पूछताछ करनी है तो बोलो, इंतजाम मैं करता हूँ, लेकिन ये केस निपटा दो। क्या आपने एक बात गौर की? शिवानंद कार फैक्ट्री का विरोध कर रहा था तो उसकी बॉडी कार गोडाउन में मिली, और दूसरा विक्टिम डॉक्टर रामिया की बॉडी हमें हॉस्पिटल के गोडाउन से मिली। यस, यू आर राइट। उसका अगला शिकार लॉयर है, तो शायद कोई पुराना कोर्ट या उससे रिलेटेड कोई जगह होगी। नोट इट डाउन। डन सर। हाय गाइस। हाय सर। हाथ में खुजली हो रही, किसी को मारने का मन कर रहा है। हम है ना सर। डीजी से 1 हफ्ते का वक्त लिया है, किसी भी तरह ये केस सॉल्व करना है। उसके पास एक स्कॉर्पियो है सर, इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मोटिव? अगर हम ये बात मान ले कि वो शिवानंद और डॉक्टर रामिया जैसे समाज के अच्छे लोगों को मारना चाहता है, मगर उसका अगला टारगेट देखकर इस बात पर तो यकीन नहीं होता। क्यों? क्या लॉयर भी कभी ईमानदार होते हैं? चांस ही नहीं है।
हर काम में ईमानदार लोग होते हैं जो हम नहीं है क्या? सर सर सर, सर मैं थोड़ा वेट कर लेता। ओके कम। मुझे लगा तुम्हारा पंच स्ट्रांग होगा लेकिन बहुत वीक है। शिवानंद के लिए गाय का मुखौटा, डॉक्टर रामिया के लिए शेर का मुखौटा, आखिर वो कहना क्या चाहता है? क्या बात है, नया टैटू? जो चुप क्यों, कुछ बोलोगे नहीं क्या? 21st सेंचुरी की लड़कियां चीफ, कुछ भी कर सकती हैं। ए, ये मेरे ज़ोडियक साइन है, वर्गो। सर, सर, आप ठीक तो हैं? सर, मैंने तो बस आराम से मारा था। वेट, शिवानंद के मर्डर के पहले जो गुड़िया हमें मिली थी उसका मुखौटा बकरी का था, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 26th मार्च। मतलब सनसाइन है एरीज, बकरी का मुखौटा। और डॉक्टर रम्या की डेट ऑफ बर्थ? 18th मई 1971। वो है चौरियन, गाय का मुखौटा। उसने पहले ही हमें क्लू दिया था कि वो मार्च में जन्मे समाज सेवक और मई में जन्मे डॉक्टर को मानने वाला है। इसका मतलब शेर का मतलब लियो है, तो जन्म का महीना जुलाई या फिर अगस्त होगा। इसका मतलब उसका टारगेट लॉयर है जिसका जन्म इन महीनों में हुआ है। एक बात और सर, उसने अपने टारगेट को फांसी से लटका कर मारा और उसके बाद उन्हें गोली भी मारी। शिवानंद को 4 गोलियां मारी और डॉक्टर रामिया को 3 गोलियां मारी। तो मुझे लगता है वो 4 लोगों को मारने का प्लान बना रहा है। शिवानंद को 4 गोलियां, डॉक्टर रामिया को 3 गोलियां और उसके बाद वाले को 2 और फिर आखिर को 1। मगर वो 4-डिजिट कोड अभी तक हमने क्रैक नहीं किया सर, उस पर सोचना होगा। खूनी जानता है कि हम क्या सोचते हैं। सो वी नीड टू बी फास्टर देन हिम। सुनो, खाना खाते वक्त भी ट्वीट करना जरूरी है। खाना खाओ। मैडम, वेटिंग फॉर डिजर्ट। तो 1 से लेकर 100 तक गिनो तो डिजर्ट मिल जाएगा, समझे? मेरी बिल्ली मुझसे म्याऊ। डैडी, क्या रेगिस्तान और मिठाई दोनों का मतलब डिजर्ट होता है? राजस्थान वाले डिजर्ट में सिंगल एस और मिठाई वाले डिजर्ट में डबल एस। ये बात है, मुझे तो आज तक किसी ने बताया नहीं। बुद्धू मम्मी, बुद्धू पत्नी। हंसना बंद करो, तुम्हें पता था क्या? पता है, मेरी माँ इंग्लिश की टीचर थी। ओहो, अपने परिवार की बढ़ाई बस करो, ये तो अभी तुम्हें सुन के पता चला है। ए, पति पर कभी तो विश्वास करो। कल तुमने मुझे एक SMS भेजा, प्लीज मेक कस्टर्ड आइसक्रीम फॉर डेजर्ट, उसमें सिर्फ एक ही एस था। नहीं, मेरा फोन का है। ठीक है, चलो प्रूव करो, प्रूव करो। अभी प्रूव करते हैं। अब देखते हैं कि बेगम साहिबा कैसे प्रूव करती हैं। कल ऑफिस में प्रोजेक्ट मैनेजर ने मेरा कोड गलत बोला। फिर क्या, जब उसे पता चला कि मैं मैथ्स में टॉपर हूँ तो उसकी हवा निकल गई। मुझे पता है तुम्हारा मैथ्स कितना स्ट्रॉन्ग है। टंटन, यहाँ देखो संदीप। हाँ, ये देखो, यहाँ सिर्फ एक ही एस है। क्या भैया, अब कैसे टीचर का बेटा बन गया बुद्धू? बुद्धू डैडी, तुम मीठा ज्यादा ना डाल दो, इसीलिए एक एस लिखा था। और क्या? गलती पकड़ी गई मगर फिर भी हार नहीं मानेंगे, देखा? जानने दो ना भाभी, इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है? मैं बताती हूँ, बात ये है, तुम्हारे भैया गुंडे का पीछा करते हैं और फिर गिर के उन्हें चोट भी लग जाती है, यहाँ तक कि बॉक्सिंग में भी एक छोटी लड़की से मार खाई इन्होंने। डैडी, कौन है वो जिसने आपको मारा? एक छोटी सी लड़की। व्हाट्सअप है, बस हल्की सी चोट आई। रंजित, तुम तो स्कूल रियूनियन के सिल्वर जुबली फंक्शन में भी नहीं आए, बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर बन गए हो। थोड़ा बिजी था। ओके, रिलैक्स,
सीधा पॉइंट पर आती हूं। ऐसी बीमारी जो एक पुलिस वाले को नहीं होनी चाहिए। लुक्स लाइक पार्किंसन। जरा याद करो रंजित, तुम्हें इस बात का एहसास भी नहीं हुआ होगा, तुमने अपने राइट हैंड का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। ब्रेन में डोपामाइन नाम का एक केमिकल सीक्रेट होता है, अगर वो सीक्रेशन बंद हो जाए तभी ये बीमारी होती है। सबसे पहले इसमें हाथ और पैर लड़खड़ाने लगते हैं और फिर सुन हो जाते हैं, और उसके बाद योर सेंस ऑफ स्मेल यानी सूंघने की शक्ति भी कम हो जाती है। हाथ पैर के मूवमेंट्स भी अफेक्ट होते हैं। तुम कहना क्या चाहती हो रंजित? तुम्हारी बीमारी का ये पहला स्टेज है और इसीलिए तुम्हें ये सारे इफेक्ट्स हो रहे हैं। प्रेमा, इनकी पुलिस वाली नौकरी में इस तरह हाथ पैर न चलना, ये बात तो मैं सोच भी नहीं सकती। क्या इस बीमारी के लिए कोई दवाई नहीं है? है ना, पर टेम्पररी रिलीफ मिलेगा। रंजित, तुम अब और भी एक्टिव रहने की कोशिश करो। आई नो यू डू, यू विल गेट बेटर। क्या कोई परमानेंट इलाज नहीं है? सर्जरी एक ऑप्शन है, मगर पहले दवाई से शुरू करते हैं और कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं। बट प्रेमा, अभी मैं एक केस पर काम कर रहा हूं। आई एम फाइन, मैं ठीक हूं। क्या तुम कुछ देर के लिए चुप रह सकते हो? पहले उसकी बात सुन लेते हैं। बोलो प्रेमा। टेक अ ब्रेक, अगर हम इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं तो ये तकलीफ बढ़ जाती है। छुट्टी लेकर अपने माइंड को रिलैक्स करो और दवाई भी लेते रहना। एक इम्पोर्टेंट केस हैंडल कर रहा हूँ। जानती हूँ मैं, क्या पूरे शहर में तुम ही एक पुलिस ऑफिसर हो? ये बात नहीं है प्रेमा, ये बहुत ही सीरियस केस है। रंजित, आई एम गोइंग टू गिव यू 2 weeks टाइम। उस केस को सॉल्व करो और जल्दी से हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ। मैं इस बात का ख्याल रखूंगी, डोंट वरी। ओके, सी यू गाइस। थैंक्स, टेक केयर। कल पूरा दिन तुम रेस्ट करोगे, ओके? लक्ष्मी। हाँ सर। मैं डिनर मीट के लिए जाने वाला हूँ, लोकेश आए तो उसे अंदर मेरा वेट करने को बोला। ओके सर। ये क्या, इस वक्त तुम कहाँ जा रहे हो? थोड़ी ताजा हवा चाहिए मुझे, ड्राइव पर जाकर आता हूँ अकेले। मुझे एक मिनट दो, मैं भी आती हूँ। शिवानंद ने समाज के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं, जैसे करप्शन केसेस और मर्डर केसेस में लोगों को न्याय दिलाया है। हाय,
हाय सांता, नाम क्या है तुम्हारा? विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन, गॉड ब्लेस यू। मोटिव क्या हो सकता है? सीरियल किलर है तो भी कोई मोटिव तो होना ही चाहिए। होगा, जैसे लेखक सुजाता का कहना है कि बिना मोटिव के खून करना भी एक मोटिव है। फिर शुरू हो गई। ये खूनी जैक द रिपर है। क्या कहा? जैकी चैन। बुक पढ़ोगे तब दिमाग चलेगा। जैक द रिपर, दुनिया का फेमस रियल लाइफ सीरियल किलर। ये कहानी लंदन शहर में शुरू हुई थी 1888 में। अगर इतनी पुरानी कहानी पढ़ोगी ना तो जल्दी तुम्हारे बाल सफेद हो जाएंगे, समझी? तुम कौन सी बुक पढ़ते हो? मुझे तो पसंद है ह्यूमन एनाटॉमी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। अच्छा वो सब छोड़ो, जैक की स्टोरी बताओ। जैक द रिपर लेडीज और सेक्स वर्कर को मारने वाला सीरियल किलर। बाद में पता चला वो एक डॉक्टर है, मगर उसे कोई पकड़ नहीं पाया। एक मिस्टीरियस सीरियल किलर। क्या क्या घटिया कहानी है। क्लाइमेक्स के बिना कोई कहानी होती है? तुम्हारा इन सब बातों से मतलब क्या है? क्या हम भी इस सीरियल किलर को पकड़ नहीं पाएंगे? बकवास बंद करो, टाइम हो गया, चलते हैं। ऐसे वक्त में एक ठंडी बियर मिल जाए तो मजा आ जाएगा। बिल तो मेरा ही फटने वाला है, ये एक्टिंग बंद करो। चलो तुम्हें चिल्ड बियर पिलाती हूं। थैंक यू, थैंक यू। शिवानंद ने समाज के लिए बहुत अच्छे काम किए। विष्णुवर्धन। कितने का सर? टैंक फुल कर दो जी। सर मीटर देखिए। सर यहाँ फोन का इस्तेमाल करना मना है। सर जो कहो तुम। ऑफिस में हूँ सर। शिवानंद और डॉक्टर रम्या दोनों का कनेक्शन किसी विष्णुवर्धन लॉयर से चेक करो। ओके सर। ओके सर। विष्णु का नाम लिस्ट में है, मगर शिवानंद, डॉक्टर रम्या और विष्णु को कनेक्ट करने वाला कोई भी केस नहीं है। व्हाट? हमारे पास उन्हीं केस का नाम है जिनको प्रोसिक्यूशन ने हैंडल किया है। दैट्स इट। वो केस कोर्ट में आने से पहले ही खत्म हो जाएगा। लॉयर विष्णु सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के दौरान थे। लॉयर विष्णु इज अ जुलाई बॉर्न। तो क्या लॉयर विष्णु ही उसका तीसरा टारगेट है? तुम्हें कैसे पता? मैं डिटेल्स बाद में बताऊंगा। पहले हमें विष्णु को बचाना होगा, उन्हें घर के बाहर निकलने से रोकना होगा। उनकी फैमिली और दोस्तों से कांटेक्ट करो और कैसे भी उनका नंबर पता करो। मैं ऑनलाइन जस्ट डायल में चेक करता हूं। नो नो, अपने आईटी डिपार्टमेंट में चेक करो। सर नंबर मिल गया है। उनके घर और ऑफिस में कांस्टेबल को भेजकर निगरानी के लिए बोलो। ऑफिस के बाहर पेट्रोलिंग के लिए कहो। कहो कि हम एक ब्लैक स्कॉर्पियो की तलाश कर रहे हैं। अगर हम वक्त से पहले पहुंच गए तो उसे पकड़ लेंगे। एंड बी केयरफुल, कीप इन टच। विष्णु का नंबर मुझे टेक्स्ट करो। मगर अचानक विष्णु क्यों? समझ में नहीं आया। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आया। अटेंशन ऑल यूनिट्स अराउंड द एरिया, हम एक ब्लैक एंड ब्लू स्कॉर्पियो की तलाश कर रहे हैं और साथ में एक आदमी की जिसकी हाइट 5.5 फुट है और उम्र होगी लगभग 25 साल। पुलिस वैन स्टे अलर्ट। कौन बोल रहा है? रिलैक्स डूड, विष्णु को भी मार दिया, जाके उसकी लाश उठा ले। हे, हे। रिलैक्स डूड, विष्णु को भी मार दिया, जाके उसकी लाश उठा ले।
हेलो कंट्रोल रूम। यस सर। मैं डीएसपी रंजीत बोल रहा हूँ। मेरी लास्ट कॉल ट्रेस करो। ओके सर। और ये भी पता करो जहाँ से कॉल आया वहाँ कोई अयप्पन मंदिर है। मेक इट फास्ट। डन सर। डन सर। सर हमने कॉल ट्रेस कर लिया है। कोटी वकम टावर से सिग्नल आया है और बाजू में एक अयप्पन मंदिर भी है। गुड। मैं एक मर्डर सस्पेक्ट की तलाश में कोटिवाकम जा रहा हूँ। मेरा सेलफोन ट्रेस करके उसका बैकअप भेजो। कोटिवाकम पेट्रोल टीम को अलर्ट कर दो। हमें तलाश है एक ब्लैक स्कॉर्पियो की। क्विक। तुम दोनों मेरे साथ चलो। यस सर, चलिए। डैम इट, बच गया मेरे हाथ से। I missed him। हम उसके बहुत करीब हैं सर, जल्दी पकड़ लेंगे। सर आपको अंदर आकर देखना होगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं अंदर कौन है। लॉयर विष्णु। पहले उसको किडनैप किया होगा। फिर टॉर्चर किया होगा। फिर फांसी दे दी होगी। फिर दो बार गोली मारी होगी। पुलिस यूनिफॉर्म पहनाया होगा। पीछे कोड लिखा होगा।
और सेजिटेरियस का मुखौटा। सर? जानते हो उसका अगला टारगेट कौन है? मैं हूँ। खबर मिली है कि चेन्नई में आज सुबह पुलिस ने 4 खूंखार अपराधियों का पीछा किया। इस घटना से काफी लोग दहशत में हैं। पुलिस का कहना है कि ये चारों लोग रामलाल सेठ मर्डर केस में सरकारी गवाह बने शंकर को मारने आए। समाज सेवक शिवानंद, डॉक्टर रमैया और एडवोकेट विष्णु तीनों को एक के बाद एक मारा गया। एक एडवोकेट होने के नाते इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक आदमी शहर के VIPs को मार रहा है और अभी तक हमारी पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई है, और खुद की तुलना स्कॉटलैंड यार्ड से करते हैं। ऐसा क्यों लगता है एक आदमी का काम है? गैंग भी तो हो सकती है। एक आदमी है या पूरा गैंग, बात ये नहीं है। हमारे शहर में पहले से ही बहुत प्रॉब्लम्स हैं, और ऊपर से एक और पुलिस इसके बारे में कुछ बताने को तैयार नहीं और क्राइम डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन देता नहीं। और नेताओं को अपनी राजनीति से फुर्सत कहाँ? अखबार में भी सिर्फ बुरी खबरें होती हैं। आपने सही कहा, मगर आजकल सोशल मीडिया में अफवाहों का बाजार गर्म है। लोग फेसबुक और व्हाट्सएप में किसी की भी फोटो भेजकर खूनी का अगला टारगेट यही होगा बताकर अफवाह फैला रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं बिना किसी से डरे अपनी राय देता हूं। इसलिए लोगों ने मुझे खूनी का अगला टारगेट बताकर मेरी फोटो को ट्वीट किया है। अगर आप इन सब बातों को सीरियसली लेंगे तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। रंजीत, उसका अगला टारगेट तुम हो, ये कैसे कह सकते हो? सर, जब डॉक्टर रमिया फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट थी, तभी लॉयर विष्णु ने उनका एक एविडेंस अप्रूव किया था। उस केस को मैं हैंडल कर रहा था, कैथरीन इमैनुअल। वो केस हमारे डिपार्टमेंट के पास आया था शिवानंद के लिटिगेशन और विरोध की वजह से। हाँ हाँ हाँ, याद आया, इमैनुअल और उसकी पत्नी, वो आर्किटेक्ट कपल। एग्जैक्टली सर। या अमीर लोग, कैथरीन उनकी इकलौती बेटी थी, एक खुशहाल परिवार। उनके घर पर एक नौकर था जिसका नाम था मरिया दास, और वो भी उनके परिवार का एक हिस्सा था। खाना बनाना, घर के काम करना, कैथरीन को स्कूल छोड़ने, ये सब काम मरिया दास करता था। मम्मी, देखो मैंने क्या जीता। ओह, वेरी गुड। आई हैव टू गो नाउ, बाय। गुड जॉब कैथरीन, कीप इट अप। गुड गुड सर, डेडलाइन की चिंता मत करिए। जो प्यार अपने बिजी माँ बाप से नहीं मिला, कैथरीन को वो प्यार मर्यादा से मिला। आओ। मगर एक रात पूरा परिवार बिखर गया। कैथरीन की हत्या हो गई, मर्यादास लापता हो गया, घर की ज्वेलरी और पैसे दोनों गायब थे। मर्यादास को सस्पेक्ट घोषित करके केस फाइल कर दिया गया। एक हफ्ते बाद भी जब मर्यादास का कोई पता नहीं चला, तो विक्टिम को दफना के केस क्लोज कर दिया गया। सिर्फ 2 हफ्तों में ये सब हुआ, मगर मीडिया का कहना था कि केस का इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं हुआ, असली खूनी अभी भी फरार है। लोगों ने विरोध और प्रदर्शन किया। मर्यादास के परिवार वालों ने शिवानंद से मदद मांगी और उसने हाईकोर्ट में लिटिगेशन दाखिल करके केस को रीओपन करवाया। हाईकोर्ट ने मेरे अंडर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का ऑर्डर दिया। मैंने कैथरीन की बॉडी को निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मर्डर केस में सबसे अहम सबूत होता है मर्डर वेपन, मगर वो हमें नहीं मिला, लेकिन एक दिन सुराग मिल गया। हेलो। हेलो, हाउ आर यू? नो थैंक्स, कैन वी गो? यस श्योर। ओह, आप गोल्फ खेलते हैं? जी। किस क्लब के लिए खेलते हैं? अविशा, श्री परमपुदूर। और मैं रेस क्लब का मेंबर हूं, जस्ट अ बिगिनर, आपकी तरह एक्सपर्ट नहीं।
जो सवाल मैं पूछ रहा था वो उसका हाँ या ना में जवाब दे रहा था। सोचा बेटी की मौत का गम है, तभी मेरा ध्यान एक बात पर गया। एक गोल्फ क्लब किट में 14 क्लब होते हैं, सब लगभग एक जैसे दिखते हैं सिवाय एक के, यानी कि पटर। बॉल होल के करीब होती है तभी इसका इस्तेमाल करते हैं। इमैनुअल के पास जो पटर था वो नया था। कैडी से बात करने के बाद पता चला कि इमैनुअल मर्डर के 2 हफ्ते बाद सिर्फ एक दिन गोल्फ खेलने आया था। जंगल से मिले गोल्फ पटर के बनावट फिंगरप्रिंट्स की जांच करने के बाद पता चला वो इमैनुअल का लापता गोल्फ पटर था। फोरेंसिक लैब टेस्ट से ये पक्का हो गया ये वही वेपन था जिसकी हमें तलाश थी। डीएनए रिपोर्ट से 2 जरूरी बातें सामने आई। क्राइम स्पॉट पर कैथरीन के अलावा मरिया दास के खून के निशान भी थे, और दूसरी बात, गोल्फ पटर में मिले खून के निशान मरिया दास के थे। इसका मतलब मरिया दास लापता नहीं हुआ था बल्कि उसका खून हुआ था। पैथोलॉजिकल रिपोर्ट ने कंफर्म कर दिया कि कैथरीन और मर्यादास के शारीरिक संबंध थे। स्पर्म डिपॉजिट का डीएनए मर्यादास के डीएनए से मैच हो गया और केस सॉल्व हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मर्यादास की मौत पहले हुई थी और उसके बाद आपकी बेटी की। हमने घर का सीसीटीवी फुटेज चेक किया मगर कोई भी अंदर आता हुआ दिखाई नहीं दिया, और उसके बाद भी मरिया दास की लाश आपके फार्म हाउस से मिली। अगर पार्टी कैंसिल हुई तो बताना चाहिए था, हमारा टाइम वेस्ट हो गया। ये सोच लीजिए कि नई गाड़ी की टेस्ट ड्राइव के लिए गए थे। मुझे माफ कर दीजिए मालकिन। एक हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन है, अपने इन्फ्लुएंस की वजह से उसने क्राइम सीन को साफ कर दिया और यह कहकर केस को क्लोज करवा दिया कि कैथरीन की हत्या हुई है। सर, आप सोचो उस पिता पर क्या गुजरी होगी जब उसकी 16 साल की लड़की घर के नौकर के साथ
सब गुस्से में हो गया। मरीदास ने रेप करके कैथरीन को मार दिया और उसी गुस्से में मैंने उसे मार दिया। आप ऐसी ही रिपोर्ट बना दो सर। न्यूज़ वाले हमारी बेटी के बारे में क्या कुछ छापते थे, टीवी ऑन नहीं कर सकती थी मैं। पहले ही मीडिया में उसका नाम बार बार उछाला जा रहा था। वहां रेप के कोई सबूत नहीं थे। जो भी हुआ दोनों की मर्जी से हुआ। पोस्टमार्टम में ये बात साफ हो गई है। तुम दोनों ने मिलकर सबूत मिटाने की कोशिश की है। डॉक्टर रम्या से इस बारे में मैंने बात की। उनका कहना है कि डीएनए एविडेंस काफी है तुम दोनों की सजा के लिए। मैं डीएनए रिपोर्ट बदल सकता हूँ, मेरी इतनी ऊपर तक पहचान है। उस सैंपल को बदल कर आप एक दूसरा रिपोर्ट बना दीजिए। सर आपको जितने रुपए चाहिए मैं दूंगा, इंडिया में विदेश में, बस एक नंबर बोलिए। सर हम दोनों इस शहर के लीडिंग आर्किटेक्ट्स हैं, हम दोनों की रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी। वी आर डन राइट, तुम्हें परिणाम तो भुगतने ही पड़ेंगे। मुझसे ये सब छुपाया और जो यहां नहीं बोलना था वो भी बोल दिया। हम कभी कैथरीन को समझ ही नहीं पाए। उसकी हर ख्वाहिश पूरी की हमने, पर हमारे पैसों से ज्यादा उसे हमारे वक्त की जरूरत थी। So, तुम्हारी थ्योरी क्या है? शिवानंद, डॉक्टर रम्या, विष्णु और मैं, हम चारों को कनेक्ट करता है ये केस। इस केस में सबसे ज्यादा नुकसान जिससे हुआ वही सस्पेक्ट है। कौन? उस परिवार के तो सारे लोग मर चुके हैं। रिलेटिव्स या फिर वो जिसे इस परिवार की मौत से सबसे ज्यादा तकलीफ हुई। लेकिन उन लोग को मरे 3 साल हो गए, तो फिर अब क्यों? मैं नहीं मानता। सर इन्वेस्टिगेशन जारी है। रंजीत आई एम सॉरी, मुझे ही कुछ करना होगा। आज के बाद इस केस को मैं हैंडल करूंगा, तुम सिर्फ मुझे रिपोर्ट करोगे। सर बाप प्लीज सर, तुम इसमें पर्सनली इन्वॉल्व हो, तुम्हारे जजमेंट सही नहीं होंगे। तुमने पार्किंसन के बारे में मुझसे छुपाकर बड़ी गलती की, अगर तुम्हें उस दिन कुछ हो जाता तो। सर प्लीज मुझे ये इन्वेस्टिगेशन पूरी करने दीजिए। ठीक है, मगर तुम फील्ड में नहीं जाओगे। वंदना मैं प्रेस वालों से मिलने के लिए तैयार हूँ। भैया अभी तक आप सोए नहीं, लगता है सीरियल किलर ने आपकी नींद हराम कर रखी है। तुम अभी तक जाग रहे हो? मैं अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर रहा था, दिमाग गर्म हो गया। जैसे आपके केस में एक सीरियल किलर है, वैसे मेरे ऑफिस में भी एक सीरियल किलर है जो कंटिन्यू प्रोजेक्ट देता रहता और डेडलाइन सेट करता है। इसका मतलब मैं आपका लॉजिक अप्लाई कर सकता हूँ। कौन सा लॉजिक? अगर नींद ना आए तो एक पैग मार लो। तुमने आज तक कभी पी नहीं है ना? बड़े भाई के साथ पीने के लिए एक छोटा सा परमिशन। ओके Cheers for the serial killer. Cheers. अच्छा ये बता, ऑफिस में काम कैसा चल रहा है? एकदम मस्त। ऑफिस के दोस्त कैसे हैं? पहले पैग में कैजुअल बातें, फिर चौथे पैग में लीना के बारे में पूछेंगे आप। मैं ऐसे गेम नहीं खेलता। मैं नहीं पूछूंगा। आपके डिपार्टमेंट में कोई इंटेलिजेंस टीम नहीं है क्या? क्यों नहीं है, पुलिस का मतलब सिर्फ मार धाड़ नहीं होता, इंटेलिजेंस टीम भी तो होती है। ये इंटरेस्टिंग है, और बताइए। जो मजा पुलिस फोर्स में है वो और कहाँ है। आप पुलिस की नौकरी कीजिए, ये सब मेरे बस की बात नहीं है। मैं सैन फ्रांसिस जाके BMW खरीद के वहीं पे सेट हो जाऊंगा। अगर मैं चाहता तो किसी भी देश में सेटल हो सकता था। एक इंसिडेंट ने मुझे बदल दिया। एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर एक दिन बाइक पर जा रहा था, 4 गुंडों ने मिलकर
उन्हें मार डाला। जब मैंने जाकर देखा तो शरीर से खून बह रहा था, लेकिन आंखों में कुछ जान बाकी थी। उन्होंने मेरा हाथ थामा और मेरी तरफ देखने लगे, फिर वो गुजर गए। तब तो छोटा था। समझ गया, आप पिताजी की बात कर रहे हैं ना? हाँ। तभी फैसला कर लिया, पुलिस ऑफिसर बनूंगा किसी भी कीमत पर। हमारे डैड को किसने मारा पता नहीं, एक अनसॉल्व केस रह गया। उसके बाद मेरे हाथ में जो भी केस आए मैंने वो सारे केस सॉल्व किए हैं। इसे भी सॉल्व करूंगा किसी भी कीमत पर। मुझे दर्द के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन मैं अपने भाई के बारे में जानता हूं। आप ये केस सॉल्व कर लोगे। चीयर्स। चीयर्स। गुड नाइट। गुड नाइट। रॉकी, 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 रंजीत सर, मुझे पता चला कल क्या हुआ था। तुम्हारे लिए कोई पब्लिक प्लेस सुरक्षित था, तुम हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, मैं सिक्योरिटी का इंतजाम करता हूँ। सर मैं उससे डर जाऊँ, ये कैसे हो सकता है? तुम इसकी बात नहीं मानोगे, मैं जानता था इसलिए मैं खुद चला आया। सर इस तरह इन्वेस्टिगेशन के बीच नो मोर डिस्कशन, बी सेफ, इट्स माय ऑर्डर। यस सर। बोलो जाओ। सर एक ब्रेक थ्रू मिला है, जहाँ से लॉयर विष्णु को किडनैप किया गया वहाँ से सिरिंज मिला है, उसने बेहोशी की दवा का इस्तेमाल किया है। ड्रग एनालिसिस रिपोर्ट के अनुसार ये उसका बनाया हुआ कोई कंपाउंड है। ओके, मतलब एक बात कंफर्म है कि वो खूनी केमिस्ट है, ड्रग्स के बारे में जानता है। कातिल कितना भी बड़ा कातिल क्यों ना हो, लेकिन एक बात तो पक्की है कि वो कोई ना कोई गलती जरूर करता है। गुड लीड जो। मिस्टर इमैनुअल का कोई भी रिलेटिव नहीं है, उसके माता पिता को गुजरे 20 साल हो गए हैं। मगर ये सुनिए, इमैनुअल का छोटा भाई फार्मासिस्ट है। गुड गुड गुड, जल्दी से लीड को फॉलो करो। ओके, डन सर। मेरा बड़ा भाई था, हमने बिजनेस साथ में शुरू किया, मगर बात बनी नहीं तो अलग हो गए। आखिर तक हमने एक दूसरे से बात तक नहीं की, पर न्यूज़पेपर में उसकी खबर पड़ी। सब खत्म हो गया, उनकी जान के साथ साथ हमारी इज्जत भी चली गई, और आप लोग अभी वही सवाल कर रहे हैं। इमैनुअल का बड़ा भाई और उसकी पत्नी एक एक्सीडेंट में मारे गए,
उनका बेटा क्रिस्टोफर अमेरिका में सेटल हो गया है। बस फैमिली में इतने ही लोग हैं। जो मैं उसे चेक करता हूँ। कैन यू हैंडल इट? सर हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, हम दोनों उनके साथ रहेंगे। या श्योर। अगर इमैनुअल के परिवार में कोई भी सस्पेक्ट नहीं है तो क्या सर की थ्योरी गलत थी? अगर सर विक्टिम नहीं है तो उसका चौथा टारगेट कौन होगा? क्या बात है, तुम अब तक सोए नहीं? एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग को सॉल्व करना है। डोंट वरी, सॉल्व हो जाएगा। हाय डार्लिंग। क्या हुआ बेटा, नींद नहीं आ रही तुम्हें? नींद नहीं आ रही है, डर लग रहा है मम्मा। तुमने कोई हॉरर फिल्म देखी है? क्या बात है? सब बोल रहे हैं कि वो किलर अब आपको पकड़ने वाला है। सच है क्या डैडी? आपको कुछ नहीं होगा ना? ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, अगर डैडी के पास किलर आया तो डैडी क्या करेंगे? और फिर उसे मारकर लटका देंगे। फिर मजा आएगा। ओह माय गॉड, डू यू नो व्हाई? बिकॉज़ माय डैडी इज माय सुपरमैन। या माय सुपर गर्ल, या माय सुपर गर्ल। हेलो, शिट, ये इस एरिया के सब इंस्पेक्टर मंजुनाथ हैं। ए, संभल कर बॉडी नीचे उतारो। ऐसे तो क्या हमारी थ्योरी गलत है? क्या उसने पुलिस वाले को मारकर पुलिस की ड्रेस पहनाई? ये उसके स्टाइल नहीं है। प्लीज सर, आप रिलैक्स कीजिए। अभी तक हमने खूनी को पकड़ा नहीं है। आप जल्दी ठीक हो जाइए, हम उसे पकड़ लेंगे। उसके बाद जैसा जो ने कहा उसकी जेब में बॉम्ब डाल देंगे। चट्टी में कुछ लोग नहीं, कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, चलो बेटा। 11 बज गए सर, बहुत भूख लगी है। मैं जरा जाकर चिकन बिरयानी खा के आता हूँ। तुम क्या खाओगी, चिकन या मटन बिरयानी? यो, मुझे सबवे से 6 इंच इटालियन ब्रेड, चिकन हैम, नो सॉस, नो चीज चाहिए। हो, ये सब खाकर इतनी पतली हुई हो क्या? जाओ यहाँ से। वहाँ जाके कॉल करता हूँ, तुम्हें जो चाहिए ऑर्डर कर देना। लड़कियों से उनकी सिगरेट कभी मत पूछो। रात को 11 बजे इतनी ट्रैफिक, लगता है पूरा शहर बिरयानी खाने जा रहा है। अगर बिरयानी खानी है तो पुलिस की पावर दिखानी ही पड़ेगी। आई एम रेडी। क्या आपको किसी मेडिसिन से एलर्जी है सर? नो। 12 बजे के बाद कुछ खाइएगा मत सर। श्योर। आपके डेट ऑफ बर्थ की जानकारी हमारे पास नहीं है सर। देता हूं। हमने अभी तक उस कोर्ट को सुलझाया नहीं है। अगर सुलझा लिया तो मिसिंग लिंक मिल जाएगी। सर? नो नो, इट्स नॉट फॉर यू। थैंक यू। थैंक यू। सर वो 4 डिजिट का कोड? मुझे लगता है वो हमें कोई क्लू दे रहा है। कपड़े से विक्टिम का प्रोफेशन और मुखौटे से उसके जन्म का महीना। ये क्या है, सिर्फ डेट और मंथ? वेट अ मिनट, हमें सिर्फ एक बात पता करनी है, वो कौन से दिन खून करने वाला है। सही कहा भैया, 4 डिजिट का संबंध डेट और मंथ से ही है। फॉर एग्जाम्पल 0912 100% डेट और मंथ है, मगर उसे पहले बनाकर लिखा है।
तीनों मर्डर को जोड़ने वाला कॉमन और यूनिक कनेक्शन क्या है? बुलेट्स। पहले विक्टिम को 4 गोली मारी, दूसरे को 3 गोली मारी और लास्ट में विष्णु को 2 गोली मारी है। तो शिवानंद के केस में उसके पीठ पर कौन से 4 डिजिट नंबर थे? 4864। ओके, 4 गोलियां, 4 से डिवाइड करो। चल 16। 12 तारीख और 16वां महीना। ना ना, 16 तारीख और 12वां महीना होगा। 16th December 2016। सही कहा सर, उसी दिन डॉक्टर रम्या को मारा था। रम्या के बीट पर क्या नंबर थे? 3660। उसे 3 गोलियां मारी गईं, 3 से डिवाइड करो। 1220। इसका मतलब 20th December, उसी दिन विष्णु का खून हुआ था। तो इसका मतलब हर बार खून करने के बाद उसका अगला टारगेट कौन होगा, उसकी तारीख वो हमें कोड के जरिए दे रहा है। यस, यू सॉल्वड इट। ब्रिलियंट सर। मगर उसने तारीख और महीना बदल कर क्यों लिखा है? हमें गुमराह करने के लिए? गुमराह करने के लिए नहीं, दुनिया में सिर्फ अमेरिका में पहले महीना फिर तारीख लिखते हैं। वाह, क्या दिमाग है। मतलब साफ है, खूनी केमिस्ट है, ड्रग्स के बारे में अच्छी तरह जानता है, अमेरिका से उसका कोई संबंध है। अमेरिका? इमैनुअल के बड़े भाई का बेटा वहीं पढ़ाई कर रहा है, उसका नाम। क्या बात कर रही हो? यस सर। कॉल इमिग्रेशन। हेलो प्रीति, एक काम है, इमिग्रेशन रिकॉर्ड चेक करो। ओके, कंफर्म सर। नाम क्रिस्टोफर, रटगर्स यूनिवर्सिटी अमेरिका से फार्माकोलॉजी ग्रेजुएट है, 1 महीने पहले इंडिया आया है, एंड गेस व्हाट, अमेरिका में इलीगल ड्रग यूज करने के लिए जेल भी जा चुका है। माय गुडनेस, तो इमैनुअल के परिवार का यह आखिरी वारिस है क्रिस्टोफर। डॉक्टर वर्गीस का कहना है जो ड्रग्स विक्टिम्स के शरीर से मिले हैं वो सिर्फ एक केमिस्ट बना सकता है। क्रिस्टोफर का प्रोफाइल उसे बिल्कुल मैच करता है। क्रिस्टोफर के माता पिता की मौत के बाद इमैनुअल ने उसे अपने बेटे की तरह पाला, पढ़ाया लिखाया और अमेरिका भेजा। बदला लेना मकसद हो सकता है, इसीलिए सबको ऐसे मारा जैसे उन्होंने फांसी लगाकर खुदकुशी की हो। और लाए विष्णु की लाश पर कौन से नंबर मिले थे? 2450, 2 बुलेट्स थे, अगर उसे 2 से डिवाइड करें तो 1225, 25th December। इस वक्त 11 बजे हैं, कल 25th December है, यानी कि 1 घंटे बाद कुछ भी हो सकता है। तो अगला टारगेट कौन है? बताया था तुम्हें, मैं हूँ, तुमने विश्वास नहीं किया। एक मिनट सर, मैंने क्रिस्टोफर पर नजर रखने के लिए दीपक को भेजा था, लेट मी कॉल हिम। पिकअप, पिकअप। स्ट्रेंज सर, दीपक हमेशा मेरा फोन उठाता है। फिर मंजुनाथ को किसने मारा? यस सर। जोसेफ, वो इंस्पेक्टर मंजुनाथ का खूनी पकड़ लिया गया। बुरी खबर यह है कि वो कोई सीरियल किलर नहीं है, लोकल गुंडा है। उसने ऐसा हमें गुमराह करने के लिए किया, समझ गए? यस सर। बैकअप टीम भेज रहा हूँ, तुम रंजीत के साथ ही रहो। ओके सर, फाइन सर। सर जो का फोन है, बोलो। हे लिसन, इंस्पेक्टर मंजुनाथ का खूनी पकड़ा गया है, वो कोई सीरियल किलर नहीं है। अगर ऐसा है तो रंजीत सर की थियरी करेक्ट है और वही अगला टारगेट है, ये बात उनको मत बताना। इमैनुअल के परिवार का कोई है, नाम है क्रिस्टोफर और अपने चौथे टारगेट को वो आज ही मारने वाला है। वेट 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 वेट, जीसस, वन मोर बैड न्यूज, हॉस्पिटल की तरफ एक ब्लैक स्कॉर्पियो आ रही है। ओह गॉड, मैं उसे फॉलो करता हूं और हर अपडेट मैं तुम्हें देता रहूंगा, तुम सर के साथ ही रहना। ओके वंदना, नाउ यू आर इन चार्ज, इस केस को कॉन्फिडेंटली हैंडल करो, मुझे वो चाहिए जिंदा। गॉट इट सर। यहां मैनेजर कौन है? प्लीज रिलैक्स।
मैं हूँ मैम। ये एक पुलिस इमरजेंसी है, रूम 716 के पेशेंट को किडनैप करने की कोशिश की जाएगी। डरने की कोई बात नहीं, डॉक्टर या नर्स को पेशेंट से मिलना है तो उसे मेरा परमिशन लेना होगा, ठीक है? ओके मैम। ओके, मेन गेट और एग्जिट गेट में कितने सिक्योरिटी गार्ड्स हैं? 4 लोग होंगे मैम। 2 को यहाँ आने को कहो, 2 सीढ़ियों के पास, 2 लिफ्ट के पास और 2 रूम 716 के बाहर। ओके मैम। सिर्फ बैकअप के लिए जब तक पुलिस नहीं आ जाती। जल्दी करो, हमें जिसकी तलाश है वो हट्टा कट्टा 5.5 feet 26 साल का है। ओके मैम। एक जरूरी बात, डॉक्टर्स नर्सेज और हॉस्पिटल स्टाफ सब नॉर्मल रहो, किसी को डरने की जरूरत नहीं। वी विल हैंडल दिस। सिक्योरिटी का नंबर क्या है? 7 मैम। ओके। वंदना, यहाँ बहुत ट्रैफिक है। हे, एक बाजू हटना, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। विष्णु के बाद वो मुझे मार सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। क्या मतलब? क्योंकि उसका अगला टारगेट मैं हूँ। मैं हैंडल कर लूंगी, आप रिलैक्स कीजिए। मैं जमीन पर गिरा पड़ा था, मगर उसने छोड़ा क्या? हे, स्कॉर्पियो हॉस्पिटल की तरफ आ रही है, अलर्ट। सिक्योरिटी, गेट के पास एक ब्लैक स्कॉर्पियो आ रहा है। मुझे शूट क्यों नहीं किया? स्कॉर्पियो देखे तो कंफर्म करना। क्रिस्टोफर के ज़ोडियक साइन क्या है? स्कॉर्पियो, इनमें विल पावर ज्यादा होता है और कुछ भी हो अपना काम पूरा करते हैं, लेकिन रहस्यमय लोग होते हैं। मैडम, स्कॉर्पियो आ गई, गेट के पास खड़ी है। जैसा हम सोच रहे हैं वैसा वो कुछ नहीं करेगा। सिक्योरिटी, उस पर नजर रखो लेकिन कोई एक्शन मत लेना। इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। ए क्रिस्टोफर, आखिर तेरा प्लान क्या है? वंदना, गाड़ी हॉस्पिटल के अंदर नहीं आई, वो सीधे चली गई। क्या कहा? मैं बाइक लेके आता हूँ, तुम जल्दी बाहर आओ। लेट्स गो, लेट्स गो। सर को फोन करती। थोड़ी देर के लिए चुप रहोगे तुम? सर, यस, बैकअप टीम आ गई सर। गुड, वंदना को फोन करो। रुको, रंजीत कालिदास। बहुत चलाक हो तुम रंजीत। मेरी बात सुन, ये तेरे और मेरे बीच में है, फिर सबको क्यों? आराम से डीएसपी, आराम से। लगता है बहुत गुस्से में है तू, मुझे बेवकूफ समझाए क्या? हाँ, तेरी पूरी फैमिली, मेरा मतलब पुलिस फैमिली, अब मेरे कब्जे में है। अगर उन्हें खरोंच भी आई तो? सिर्फ मैं बोलूंगा और तू सुनेगा रंजीत। तेरे लिए मैंने कुछ बड़ा प्लान किया है। बोल। इतनी जल्दी भी क्या है? और हाँ रंजीत, अपने आप को जेम्स बॉन्ड समझकर जूते और शॉक्स के अंदर गन मत रखना, ये आइडिया बहुत पुराना हो चुका है। मेरी तरफ देखो, मेरे लिए वो दोनों खतरे में पड़ गए हैं, मुझे जाना होगा। ओके, तुम 1 से लेकर 100 तक गिनती आराम से करो, मैं तब तक लौट आऊंगा। तीन, झूठी कहीं की, 1, 5 क्या लगना अपना। ओके, एनी इंफॉर्मेशन? सर, वंदना के फोन से जो कॉल आया था वो नूरमपुर से, मगर अभी वो फोन स्विच ऑफ है। मैं जा रहा हूँ, एसपी साहब को पता नहीं चलना चाहिए। सर,
रंजीत, मैंने तुझे एक फोटो भेजी है जिसमें क्लू है, चेक कर। कितनी देर में इंतजार करूं रंजीत? रंजीत कालिदास, बुद्धिमान पुलिस वाला, कोई भी केस हो अपना दिमाग लगा के सॉल्व कर देता है। कैसे बेवकूफों की तरह तुझे यहां वहां भगाया? हाँ, कहां गया तेरा दिमाग? क्या चाहिए तुझे? इस पल का मुझे कब से इंतजार था। मेरी आंखों में देख, कितने सवाल पूछने हैं तुझसे। खून किया तो सजा मिलती है, सही कहा ना? उसमें इंसाफ, जात, धर्म कोई माने नहीं रखता। जो खून करता है, डाका डालता, रेप करता है, उसे वो सही लगता है क्योंकि उसके पीछे उसका लॉजिक होता है। मगर सही क्या है और गलत क्या है ये बताने के लिए हमारे समाज में कानून होता है जो तेरे और मेरे लिए बराबर है। इवन द किंग इज अंडर द लॉ। तेरी खोपड़ी में ये बात आई? बोलते रहो रंजीत, बोलो और ताव में बोलो। तभी तो मेरा खून खौलेगा और मारने में मजा आएगा। मॉम डैड के मौत के बाद बार बार डिप्रेशन, पागलखाना, गुंडागर्दी, ड्रग्स, जिन्होंने मुझे फिर से इंसान बनाया, तुम्हारी वजह से मर गए मिस्टर एंड मिसेज इमैनुएल, मेरे चाचा चाची। नहीं नहीं नहीं, वो तो मेरे मॉम डैड थे। तुम अमेरिका जाकर पढ़ना चाहते हो? जाओ पढ़ो, मैं ख्याल रखूंगा। तुम्हें पेरेंट्स की कमी महसूस नहीं होने देंगे क्रिस्टोफर, तुम हमारे बेटे जैसे ही हो। मेरी जिंदगी उजाड़ के फिर से मुझे अनाथ कर दिया। बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ी। ए, ज्यादा वक्त मत लगा। ये तुम्हारा ऑफिस नहीं है, क्रिस्टोफर का कोर्ट है। घोरता किसको है? मैं बिच्छू हूं, पूरे शरीर में जहर भरा है। ओ, तुम्हारा एसपी? हेलो रंजीत, आप जिससे बात करना चाहते हैं वो अभी क्रिस्टोफर से बात करने में बिजी है। और क्रिस्टोफर मैं हूं। बोल,
रंजीत। सर, 10 मिनट चलेगा ना? 5 मिनट सर। नॉट बैड। वेरी गुड। एक ब्रेकिंग न्यूज सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। दर्शकों का स्वागत है। आज का मुख्य समाचार, कल रात को डीएसपी कालिदास की गोली मारकर हत्या कर दी गई। माफ कीजिएगा, उन्हें गोली नहीं मारी गई, बल्कि उसके गले में रस्सी डाल के फांसी पे लटका के मारा गया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसे फांसी पे लटकाने से पहले तेज औजारों से उसे बेरहमी से टॉर्चर किया गया, ऐसा हमारे रिपोर्टर का कहना है। पता है तेरे दोस्तों का क्या रिएक्शन था? कोई जान की भीख मांग रहा था, कोई रो रहा था, कोई मेरे परिवार के बारे में सोचे बोल के रो रहा था। I love it. क्या? क्या? मार दूंगा। You know what? I love it. Blood, murder. और हाँ, इन तीनों की तरह तुझे इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। वेट कर। हेलो। हे ट्विटर हीरो, तेरा भाई थोड़ी देर में मरने वाला है। जैसे मेरे परिवार की इज्जत को पब्लिक में उछाला गया, वैसे तेरे भाई की मौत का तमाशा तेरी फैमिली, पब्लिक, पुलिस, पूरी दुनिया देखे। इसीलिए उस दिन मैंने तुझे नहीं मारा। हे संदीप, मैं तुझे एक फोटो भेजता हूँ, उसे तू ट्विटर, फेसबुक, सारी जगह अपलोड कर देना। मैं नहीं करूंगा। वाह, बहुत बढ़िया। रंजीत, तेरे घर में तो सब शेर है, किसी को डर ही नहीं लगता। तुम अपलोड करो संदीप, पुलिस सिग्नल ट्रैक करके इस जगह का पता लगा लेगी। ये नहीं बचेगा, झांसी की रानी है ये तो। हे, उन्हें कुछ मत करना प्लीज। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ए, अपलोड करेगा या फिर? मैं अपलोड कर रहा हूं। हेलो, मैं अपलोड कर रहा हूं। #copskilledlife। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। नहीं समझा? वीडियो लिंक। पुलिस ऑफिसर्स को किडनैप कर लिया गया है और उनमें से एक की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करने के बाद पूरी दुनिया में वायरल हो रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हम कुछ ही देर में आपके पास वापस लौटेंगे। ए, मर्द का बच्चा है तो मेरे हाथ खोल। है, फिर तू मेरी जेब में बॉम्ब रख देगा तू? अबे तू हाथ खोल के तो देख मैं क्या करता हूँ। जो ये कुछ नहीं करेगा सर, ये डरपोक है। इसके मारने के स्टाइल से ही पता चलता है, बेहोशी की दवा देकर हाथ बांधकर टॉर्चर करके मारता है। साइको कहीं का। अमिताभ बच्चन की पिक्चर देखता है तू? क्या डायलॉग मारा है, मुंह बंद कर। पहले इसी का गेम बजाना पड़ेगा। ए, तो गलती कर रहा है। प्लान थोड़ा चेंज हो गया। रंजीत, जो को गुड बाय बोल, बोलना।
दिल के करीब है, बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। हमारे कुछ ऑफिसर्स को चोट लगी, प्लीज एक्सक्यूज मी। सर क्या मरने वाला एक पुलिस ऑफिसर है? नहीं, क्रिस्टोफर नाम का कोई है, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं, वो अमेरिका से है, अभी मुझे इतना ही पता है। किलर ने पैटर्न चेंज किया है, पता नहीं उसने इस आदमी को क्यों मारा, हम इसकी जाँच करेंगे। थैंक्स। खबर मिली है कि सीरियल किलर क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स के ऊपर हमला करके फरार हो गया है। इस खबर से शहर में खलबली मची हुई है। विपक्षी पार्टी का कहना है कि मौजूदा सरकार शहर में लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने में सक्षम नहीं है। विपक्ष ने इस मुद्दे को संसद में भी उठाने की धमकी दी है। क्यूट है ना? मैंने सबके लिए कॉफी बाहर रखी। थैंक यू। एंड वेयर इज माय सुपर गर्ल? और क्या चल रहा है? घर से काम? हाँ वही प्रोजेक्ट भैया। आई लाइक इट। हाय गाइस। हाय सर। हाय सर। सिट डाउन। तुम्हारा हाथ कैसा है? बेटर है सर। कॉफी पियो। कॉफी को छोड़िए सर, मैं एक बात समझ नहीं पा रहा हूँ। उस दिन आपने क्रिस्टोफर को लटकाया, गोली भी मारी, प्रेस को झूठ बोला, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आया, और इस पर मीडिया वाले हमें सवाल पूछकर परेशान कर रहे हैं। उस केस के बारे में बात करने के लिए मैंने तुम दोनों को यहाँ बुलाया है। पांच गुंडे हैं जो चालाक हैं, और वो लोग बहुत ही अमीर हैं, पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड हैं। इन पांचों गुंडों को एसपी सर ने खत्म करने का ऑर्डर दिया है। अगर इनका एनकाउंटर किया तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन के तहत इंक्वायरी होगी। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, हमारा साइको किलर ही इन पांच लोगों को मारने वाला है। मुकुटा भी तैयार कर लिया मैंने, थैंक्स टू क्रिस्टोफर। उसने पुलिस की तरह सोचकर बेगुनाह लोगों को मारा, और हमने क्रिमिनल की तरह सोचकर क्रिमिनल को ही मारा। यू गेट इट राइट? सर सर, आई हैव अ डाउट, आखिर में आप किसको सीरियल किलर बनाने वाले हो सर? तुम्हारे सवाल में जवाब है, इन पांचों में जो सबसे आखिर में मरेगा वही होगा सीरियल किलर।
मगर डोंट वरी, ये सीक्रेट सिर्फ हमारी टीम को ही पता होगा। ब्रिलियंट प्लान सर, हमारा फर्स्ट टारगेट कौन होगा सर? एक डजन मर्डर केसेस, एक्सट्रॉशन, रेप केसेस, स्मगलिंग, पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड, जो समाज के लिए एक कैंसर है, वही होगा हमारा पहला टारगेट। इसीलिए कैंसर का मुखौटा है। पुलिस ने चेन्नई में हो रहे सीरियल किलिंग केस को सॉल्व कर दिया। पुलिस का कहना है इन सब खून के पीछे शॉन रविचंद्रन नाम के गैंगस्टर का हाथ था। इस केस को रंजीत कालिदास और उसके टीम ने सॉल्व किया और इस काम के लिए रंजीत कालिदास को तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर की ओर से राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार से सम्मानित किया।